करेला पुलिस ने जहरीली शराब के विरुद्ध की गई बड़ी कार्रवाई। 72 लाख की जहरीली शराब पकड़ी, कंटेनर में भरकर कई ठिकानों पर उतारी जहरीली शराब। पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि 27 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई कि अशोक कंजर डेरा के पीछे जहरीली शराब से भरा एक कंटेनर HR55AB9310 से ओपी शराब खाली हो रहा है। कंजर डेरा के पीछे पहुंचे तो डेरा के पीछे कंटेनर HR55AB9310 खड़ा दिखा। कंटेनर का चालक पुलिस को देख कर पहाड़ी की तरफ भाग गया और कंटेनर को घेर कर क्लीनर को पकड़ा। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मंजेश पुत्र शिवराज कंजर उम्र 32 साल निवासी पुल का पूरा घाटी गांव जिला ग्वालियर का बताया। कंटेनर को खोल कर चेक किया तो उसमें ओपी शराब के 10 ड्रम भरे हुए मिले थे। प्रत्येक ड्रम में 200 200 लीटर कुल 2000 लीटर ओपी शराब है। आरोपी मंजेश कंजर से पूछताछ की तो उसने बताया कि कंटेनर से बकाया ओपी शराब अशोक कंजर, रिंकू कंजर, पंकज कंजर, मूरत कंजर, रवि कंजर, सोनू कंजर, बलराम कंजर, अभिषेक कंजर और राम निवास कंजर की पत्नी के घर पर उक्त कंटेनर से जहरीली शराब ओपी शराब उसकी मांग के अनुसार उतारी गई है। बाद में अशोक कंजर के घर के आसपास तलाशी ली तो आंगन से 10 ड्रम ओपी शराब कुल 2000 लीटर, रिंकू उर्फ भरत कंजर के घर से आसपास तलाशी ली तो आंगन से 8 ड्रम ओपी शराब कुल 1600 लीटर, पंकज कंजर के घर से आसपास तलाशी ली तो आंगन से 8 ड्रम ओपी शराब कुल 1600 लीटर, मूरत कंजर के घर से आसपास तलाशी ली तो आंगन से 7 ड्रम ओपी शराब कुल 1400 लीटर, सोनू कंजर के घर के आसपास तलाशी ली तो आंगन से 7 ड्रम ओपी शराब कुल 1400 लीटर, रवि कंजर के घर से तलाशी ली तो आंगन से 6 ड्रम ओपी शराब कुल 1200 लीटर, बलराम कंजर के घर से तलाशी ली तो आंगन से 6 ड्रम ओपी शराब कुल 1200 लीटर, अभिषेक कंजर के घर से तलाशी ली तो 5 ड्रम कुल 1000 लीटर, रामनिवास के घर से तलाशी ली तो आंगन से 5 ड्रम ओपी शराब जिसके कुल 1000 लीटर, आरोपी गनों से कुल 72 ड्रम ओपी शराब 14400 लीटर जिसकी कीमत 72 लाख रुपए, कंटेनर कीमत 40 लाख रुपए, कुल मशीनों का 1,12,00,000 रुपए जब्त की गई। आज बड़ी कार्रवाई की गई पंजर डेरे पर व्यवस्थे कर। ये कल दिनांक 27 अगस्त को केरला पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक कंजर जो है उसके डेरा पर ओपी से भरा हुआ एक कंटेनर अनलोड हो रहा है। उस महिला की दलजी को पुलिस मौके पर पहुंची थी तो पुलिस के पहुंचने पर एक व्यक्ति जो पुलिस को देख के भागने लगा, जिसको पुलिस ने पकड़ के रोका, उससे पूछा तो उसने अपना नाम मंजेश पुत्र शिवराज कंजर बताया। और पुलिस ने जब उस कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें से लगभग 10 ड्रम ओपी पाई गई। फिर उससे बाद में पूछताछ और की गई, उससे पूछा गया कि वो कहाँ से आया है, कहाँ उसने ये और शराब जो ओपी वाली है उतारी है। तो उसने अलग अलग जगह पर बताया कि अशोक कंजर, अभिषेक कंजर, रामनिवास कंजर, बलराम कंजर, रवि कंजर, मूरत कंजर, पंकज कंजर और सोनू कंजर, इनके घरों पे उसने ये ओपी से भरे हुए ड्रम अनलोड किए हैं। तो फिर पुलिस ने जो बताए हुए कंजर लोग हैं उनके घरों पर तलाशी ली तो सभी के घरों से लगभग 72 ड्रम ओपी शराब मिली है, जिसमें 14,400 लीटर ओपी शराब पाई गई है, जिसकी कुल कीमत कंटेनर सहित मिलाकर 1,12,00,000 रुपये आकी गई है। और अभी हम लगातार इसमें और उससे पूछताछ कर रहे हैं और जो शेष आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है, जिनकी गिरफ्तारी पर हमारे एसपी सर ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है प्रत्येक की गिरफ्तारी पर। ये जो आरोपी हैं ये शराब कहाँ बेचते थे, क्या बताएं? ये जो अभी पकड़ा गया आरोपी है हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, उसका रूट भी ट्रैक कर रहे हैं और ये विवेचना का विषय है। और विवेचना में आगे जिन बिंदुओं में हम आगे जानकारी जुटाएंगे उसके हिसाब से आगे। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था ये अभी विवेचना में चल रहा है, उससे उसका रूट भी ट्रैक कर रहे हैं कि वो कहाँ से लेकर आया था और वो किस किस और लोगों को भी सप्लाई करता है, पूरी जानकारी पुलिस को जुटा रही है। इसमें अभी एक मंजेश कंजर की गिरफ्तारी हुई है, शेष जो 8 आरोपी है वो अभी फरार है।